मासा मुझे माफ कर दीजिए, आप ठीक कह रही थी। हमने घर में बच्चों के लिए एक पार्टी रखी थी, मासा आजकल के सभी बच्चे अपना जन्मदिन ऐसे ही मनाने के बारे में सोचते हैं, हमारे घर के बच्चे भी, बस यही सोचकर मेरा दिल नहीं माना। पता है मासा, इस सरप्राइज बर्थडे पार्टी में बच्चों ने बहुत एंजॉय किया और हमारा लकी वो तो बहुत ज्यादा खुश था मासा, बहुत खुश था। ये सब कुछ जानने के बाद भी हमें यकीन नहीं हो रहा कि हमारे परिवार के सदस्य इस पार्टी का हिस्सा हो सकते हैं। सच में आज हमारे पूरे परिवार ने हमें बहुत दुख दिया है। वो परिवार जिसके हर सदस्य को झूठ से दूर रखने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, आज उसी झूठ का साथ देकर ना केवल हमारी शिक्षा का बल्कि हमारा अपमान किया है। नहीं मां साहब, ऐसी नहीं उत्कर्ष, तुम कुछ मत बोलो, क्योंकि हम तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हमसे झूठ बोलोगे। और वैसे भी यहां पर किसी को कुछ भी सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अब यह भी जान चुके हैं कि तुम्हारे बाबू सा ने वर्मा भाई सा की बीमारी का बहाना सिर्फ इस पार्टी के लिए किया था। मासा, मैंने भी लवली की इस पार्टी में पूरी मदद की थी। हाँ, हम जानते हैं कि सभी को उकसाने वाली केवल लवली हो सकती है। कोई भी हमारे नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकता। लेकिन मां साहब, लवली ने परिवार के आगे पार्टी का प्रस्ताव तो अच्छे इरादे से ही रखा था। और मां साहब, लवली में इसका कोई निजी स्वार्थ नहीं था। हाँ मां साहब, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। अगर आप भी यहाँ होती उन्हें देखती ना, भाई गॉड की कसम आप भी खुश हो जाती। हाँ हाँ मासा, आज से पहले मैंने भी बच्चों को इतना खुश कभी नहीं देखा। मॉम जी, लवली को इस पार्टी के लिए गलत ठहराना बहुत अनफेयर होगा। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे परिवार का हर सदस्य लवली के पक्ष में जाकर खड़ा हो गया है। हमारे बेटे, हमारी बहुएं अपनी मासा के खिलाफ हो गई है।
इस बार लवली की कोई गलती नहीं है मासा। एक माँ होने के नाते हमने ये अनुभव किया कि हमारी बबली इस पार्टी की वजह से बहुत खुश थी। कहना नहीं सर, आज हमें बोल लेने दीजिए। मासा, इस पार्टी की वजह से सारे बच्चे बहुत खुश थे, खासकर हमारा लक्की, जिसके इतने दिनों की उदासी देखते ही देखते दूर हो गई। सभी बच्चों ने पार्टी का खूब आनंद मनाया। सच कहे मासा तो इस जन्मदिन की पार्टी का हम भी समर्थन करते हैं, हम भी समर्थन करते हैं। हमें खुद भी चाहते थे कि हमारे लाडू की वर्षगांठ ऐसी मनाई जाए जैसे हर घर में मनाई जाती है। मां साहब, यूं समझिए कि ये हम नहीं कह रहे, बल्कि हम सबकी तरफ से कह रहे हैं। और फिर भी अगर आपको लगता है कि लवली से गलती हुई है, तो इसका साथ देने के कारण हम सब भी उस गलती में शामिल हैं। इसलिए जो सजा की हकदार लवली है, उसी सजा के हकदार हम सब भी हैं। बिंदेश्वरी जी, आपने हमेशा अपने पोते पोतियों की खुशियों को अपनी खुशी माना, उनकी खुशियों का ध्यान रखा है, तो बस यूं समझ लीजिए कि ये पार्टी भी उन्हीं पोते पोतियों की खुशियों के लिए रखी गई थी। गुस्सा थूक दीजिए और भूल जाइए ये सब।
हमें दुख पहुंचा है, वो भी इस लवली की वजह से नहीं, हमारी सभी बहुओं की वजह से, जिन पर हमें अपने बेटों से भी ज्यादा भरोसा था। और आप सब लोग ये बार बार बच्चों की किस खुशी की बात कर रहे हैं? क्या क्या हमने कभी भी बच्चों की खुशियों का ध्यान नहीं दिया? हमने भी उनका ध्यान रखा है, लेकिन हमें दुख तो इस बात का है कि घर के सभी सदस्यों ने हमारी पीठ पीछे ये सब किया। आप सब लोगों को क्या लगता है, मासा को किसी भी बात का आभास नहीं होगा? हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा क्या? पर ये मत भूलना कि तुम सबकी सांसों को हम अपनी सांसों से ही बांधे घूमते हैं। और आप सब लोगों को क्या लगता है कि हमें बार बार गलत ठहराने से आप लोग अपने आप को सही साबित कर सकते हैं? माँ ऐसी कोई बात, कार्तिक तुम तो चुप ही रहो, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम्हें अब यही लगता है कि तुम्हारी पत्नी सही है और हम गलत, और इस घर में हमारी बस यही छवि बनती जा रही है, जैसे कि हम तानाशाह हैं और हम सिर्फ आप सब लोगों को सजा देते हैं। पर आज हम आपको सजा नहीं देंगे। आपको लगता है कि घर के जिन नियम कायदे कानूनों की बेड़ियों में हमने आप सब लोगों को जकड़ के रखा है, आज से आप उनसे आजाद हैं। आजाद बड़े गलती हो गई है मासा, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। अगर हमसे माफी मांगनी थी तो ये सब किया क्यों? सॉरी मासा, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई प्लीज। देखो बिट्टू, हमारे सामने ये नाटक मत करो। मासा, हम यहां से तब तक नहीं उठेंगे जब तक आप हमें माफ नहीं कर देते। आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है मासा, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। अगर हमसे माफी मांगनी थी तो ये सब किया क्यों? मासा, ये आखिरी बार है मासा, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमें से कोई भी कभी भी आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाएगा मासा, कभी भी नहीं जाएगा मासा। मासा प्लीज हमें माफ कर दीजिए।
प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप सबकी गुनहगार हूँ। पार्टी के प्लान में शामिल होने के लिए मैंने आप सबको उकसाया था। हालांकि हमने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन इस बात का दुख है कि हमारी वजह से मासा को तकलीफ पहुंची। हाँ, वैसे इस बार मासा के मन को गहरी चोट लगी है। अब जब तक वो पूरी तरह से शांत ना हो जाएं, हमें उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए। मैं तुम लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि फिलहाल हम इस बारे में कोई ना कोई बात ना करें तो अच्छा होगा। कल हम सब मिलकर मासा से बात करेंगे, कल तक शायद उनका मन हल्का हो गया। जी भैया, चलो चल के सोते हैं। भाभी, भाभी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप सबकी गुनहगार हूं। पार्टी के प्लान में शामिल होने के लिए मैंने आप सबको उकसाया था, और ये सच है कि मेरी जिद की वजह से आप सब लोग मुसीबत में पड़ जाते हैं। नहीं लवली, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे इस प्लान में हम अपनी खुशी से शामिल हुए थे। मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ गलत किया है, और हमने जो कुछ भी किया अपने बच्चों की खुशी के लिए किया। लेकिन मैंने आज एक चीज नोटिस की है, मॉम जी के चेहरे पे इतना गुस्सा नहीं था जितना कि पेन। वो बहुत हर्ट और डिप्रेस लग रही थी। सच्ची बोलूं तो आज पहली बार मम्मी जी के इस बर्ताव पे ना मैंने इतनी हैरानी हो रही है। उनका ये दर्द साडे वास्ते उनसे मिली सजा से भी ना बढ़कर है। हाँ नमी, हमसे मासा की ये हालत देखी नहीं जाती। एक बार हम अपनी साकी खामोशी बर्दाश्त कर सकते, पर मासा की बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी हमने मासा का दिल तो दुखाया ही है। कौशिक की पांच बहुएं।